जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। गुरु जी को सादर प्रणाम। आज हमें ये सत्संग करने का मौका मिला, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज सभी के साथ ये मौका मिला सत्संग शेयर करने का, उसका भी शुक्राना। मैं आप लोगों के साथ एक दो सत्संग जरूर शेयर करूंगा, छोटे होंगे या बड़े होंगे ये महाराज को पता है। जय गुरु जी। मेरी जर्नी 2006 सितंबर के बाद हुई थी। फर्स्ट टाइम मैं अपने दोस्त के साथ गया था। फर्स्ट टाइम में ही महाराज के दर्शन हुए, महाराज विराजमान थे, माथा टेका, आगे चल दिए। इसी प्रकार थोड़ा सा आगे जाते ही नीचे बेसमेंट में उन्होंने हमारे को भेज दिया। नीचे हमें लंगर प्रसाद ग्रहण हुआ, जो कि मुझे मालूम नहीं था कि इसमें भी चार बंदे खाते हैं। तो उसमें चार संगत बैठी थी, चार संगत के साथ कोई भी ये नहीं पता था कि मैं जिनके साथ गया था वो लंगर में कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। जब बाद में ध्यान दिया कि अरे मैं तो आया उनके साथ था, लंगर किसी और के साथ कर रहा हूँ। चलो लंगर किया, दर्शन किए, बंदे से बाहर आ गए। मैंने अपने दोस्त को बोला, भाई आप कहाँ ले आए हो, ये तो एक साधारण मनुष्य यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि बाबा के रूप में, जिनके बाल नहीं है और इसी तरीके से ये सबको ब्लेस करते हैं क्या। संदीप जी, आपको कुछ समय बाद पता चलेगा, एहसास होगा कि गुरु जी क्या करते हैं। गुरु जी के चमत्कार अनेक हैं। आपके साथ जब आपकी सारी चीजें चेंज होने लगेंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, एहसास बाद में होगा। चलिए, सेकंड टाइम भी ऐसे गया। थर्ड टाइम मैं एक अंकल आंटी के साथ गया, जो कि वो अंकल मेरे बॉस भी हैं, मुझे काम सिखाने वाले भी हैं, जिसको हम आजकल मार्केट में बोलते हैं और पहले भी बोलते थे उस्ताद। तो उन्होंने मुझे जब वर्क सिखाया तो उन्होंने कहा, चल तेरे को एक जगह लेके चलते हैं। मैं कहा चलो जी। उस टाइम में वहां पे समाधि हो रही थी तो पता चला कि गुरुजी जा चुके हैं। लेकिन ऐसे ही माथा टेका हमने सिंपल वे में, ऐसे दर्शन किए आगे दरबार में, लंगर प्रसाद करने के लिए बेसमेंट में गए। बेसमेंट में उसी प्रकार चार लंगर किया। जब हमने लंगर किया, लंगर करने के बाद एक अनुभव ऐसा हुआ कि शरीर में तरंगे सी जाग गई। फिर हम ऊपर गए, ऊपर गए तो हमने महाराज को झूले को प्रणाम किया। जैसे ही झूले पे प्रणाम किया, शीशे में गुरुजी बैठे हुए येलो चोले में दर्शन दे रहे हैं और हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे को वो दर्शन हुए, मेरे पास माइक्रोमैक्स फोन था तब। मैंने उससे फोटो खींचने के बाद अपने भैया भाभी को बताया, जिन अंकल आंटी के साथ गया था उनको भैया भाभी बोलता था और आज भी बोलता हूं। मैंने कहा देखिए गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। कहाँ कहाँ? मैं कहा झूले पे देखिए, चुपचाप पहले देख लीजिए, पूरे दर्शन कर लीजिए। नहीं, मुझे नहीं दिख रहा। मैं कहा वो देखिए, इस एंगल से देखिए, इस एंगल से उन्होंने देखा, उनको दर्शन हुए। इसी प्रकार सभी संगत को दर्शन हुए। शुक्राना मेरे महाराज का, उस समय गुरुजी ने दर्शन दिए। इसी प्रकार जीवन चलता रहा। बीच में थोड़ा सा दिक्कतें आने लगी, क्योंकि कुछ मेरी ही गलतियां थी और मैं गुरुजी को भूल गया, बीमार पड़ गया। बीमार के बाद डॉक्टर की ठोकरें खाई। इसी दौरान मेरे को मेरे मामा जी का लड़का बोलता है, मेरी मैडम को बोलता है कि आप एक काम करो, इनको ना वहाँ पे भाटी माइंस ले जाओ, वहाँ गुरुजी हैं। मैं कहा चलो शनिदेव तक तो जाते ही हैं भैया, हो सकता है शनिचर भारी है, तो मैं वहाँ भी चलते हैं, शनिदेव महाराज को प्रणाम करते हैं, हर शनिचर के शनिचर जाना है। उसी दिन हम पार्टी में चले गए। तो मैंने अपनी आंटी को बोला, यार यहाँ तो मैं बहुत आता था, जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे दर्शन होते थे, यहीं से हम लोग बने थे। तो हमने फिर से वहाँ पे माफी मांगनी शुरू करी, नाक रगड़ी। गुरुजी ने फिर से मुझे ब्लेस किया, मुझे ठीक किया, शुक्राना है गुरुजी का। वहाँ पे पुरानी संगत से मिला। जो पुरानी संगत है उनसे मिलने के बाद कुछ चीजें ऐसी पता चली जो गुरुजी के टाइम के अनुसार की संगत ने बताया मुझे।
कुछ चीजें हम गलत करते हैं आज की डेट में। पहले तो हम बड़े मंदिर जब जाते हैं तो हमें अपने सगे संबंधियों को भूल जाना चाहिए। बड़े मंदिर में जाते ही मंत्र जाप करते रहना चाहिए निरंतर रूप से, इधर उधर निगाह नहीं डालनी चाहिए। और जब हम इन चीजों को देखते हैं तो हमारे ध्यान गुरुजी की तरफ ना जाते हुए वो कहीं और चला जाता है। एक महत्वपूर्ण संदेश समझिए पुरानी संगत का। पुरानी संगत ने बताया हमारे को और उस दिन से हम ये नियम को आगे लेते हुए चल रहे हैं। संगत जी, एक बहुत बड़ी बात है, गुरुजी की टहल की संगत ने कहे अनुसार जब मुझे पता चला, जब संगत दरबार की सीढ़ियों की चढ़ने की कोशिश करती है तो वहां सीढ़ियों में 5 सीढ़ियां हैं जिसपे वो माथा टेकना शुरू कर देती है। माथा नहीं टेकना चाहिए संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने बताया था कि ये 5 सीढ़ियां जो हैं मैंने बनवाई, ये काम क्रोध मोह माया अहंकार की हैं, जिसे संगत को अपने पैरों से तंज के मेरे पास आना है और तुम इसे सिर पर लेकर आते हैं। इसीलिए हमने कभी दरबार की सीढ़ियों में माथा लगाकर नहीं जाना चाहिए। और माथा जब हम टेकते हैं या हाथ से टेकते हैं, माथा बिल्कुल नहीं टेकना चाहिए, बिना टेके अंदर जाना चाहिए, क्योंकि हमें काम क्रोध मोह माया से गुरुजी दूर रखने के लिए ये सीढ़ियां बनवाई थी। कोई कहता है कि 7 सोमवार जाइए 5 सीढ़ियों को चुनिए, ये सब गलत है। अपने मन को गुरुजी के साथ लगाइए, डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। डायरेक्ट कनेक्शन बनाने से गुरुजी ऑलरेडी बात करते हैं, ये मैं नहीं कहता, ये मेरा विश्वास कहता है। और निरंतर रूप से जल प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले दोनों को ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो अपने सत्संग की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिए हुए नंबर पर आप ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। संगत जी, हम आपका सत्संग फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संगत जी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी।